विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश। क्रोध में आकर शनि देव की पत्नी मंदा ने शनि देव को श्राप दे दिया कि अब जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका नाश हो जाएगा। देवी मंदा से शापित होने के उपरांत शनि जी ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और प्रभु महादेव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या करने निकल गए। ओम नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार पूर्ण रूप से शनि जी प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू की तपस्या में लीन हो गए। कोई है यहाँ? इस मूषक की इतनी उदंडता। दुष्ट का अंत करूंगा मैं। रुक जाइए लंकेश। प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथ में लिए किसी दुर्बल प्राणी का अंत मत कीजिए। फिर ये तो मेरे वाहन मूषक जी हैं। आपका वाहन है ये मूषक, तो ये मुझ पर प्रहार करने का प्रयास क्यों कर रहा था? आप इसके साथ मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? बहुत समय से मुझे आभास हो रहा था कि ये मेरे पीछे है और आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। आप दोनों क्या चाहते हैं? स्पष्ट कहिए गणेश जी, क्या प्रयोजन है आपका? क्या आप प्रभु शिव के आत्मलिंग को उनके पास वापस लौटाने के लिए आए हैं? नहीं 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 लंकेश जी, आत्मलिंग को लौटाने की तो हमारी कोई भी इच्छा नहीं, क्योंकि इन्हें तो स्वयं प्रभु शिव ने आपको प्रदान किया है, तो हम पिता श्री शिव शंकर शंभू की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? तो फिर इस उद्दंडता का कारण क्या है गणेश जी? इतना भी अधिकार बोध होना अच्छा नहीं है मूषक जी, कि अपने अतिरिक्त मुझे किसी भी अन्य के साथ मित्रता करते देख आप सहन ही ना कर सके। चतुर, 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 मैं इनके साथ सदैव के लिए लंका तो जा नहीं रहा हूँ, जो आप मेरे लिए इनको धकेलने चले आए। ये रावण है लंकेश, दशानन रावण है, ये पिताश्री के परम भक्त है। आपके समान ये मेरे संगी साथी नहीं और मुझे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं मूषक जी, ये तो परम ज्ञानी है। और फिर इनके हाथों में तो पिताश्री के आत्मलिंग है। लंकेश आप तनिक मेरी सुनिए, ऐसे साधारण तुच्छ से मूषक से आत्मलिंग की रक्षा हेतु तो आपको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, मैं इन्हें तो बाद में दंडित करूँगा। अभी आपको तो ज्ञात है ना कि कैसे मित्रों को कभी कभी अधिक ही अधिकार का बोध हो जाता है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, ये मूषक जी आपको अब कभी पुनः दिखाई नहीं देंगे।
आप अपना क्रोध त्याग कर जल ग्रहण कीजिए, ये लीजिए। मेरी ये युक्ति तो असफल हो गई, इसलिए मुझे मेरी मूल योजना पर ही स्थिर रहना होगा, अर्थात दशानन को तब तक जल का पान कराते रहना होगा जब तक कि उन्हें लघु शंका ना लग जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ये आत्मलिंग मेरे हाथ में देने पर विवश हो जाएंगे और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को वही भूमि पर स्थित कर दूंगा जिससे वो वही प्रतिष्ठित हो जाएं, और फिर उनके लंका पहुंचने का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। हाँ, तो मैं कहाँ था? आप शनि जी के तप का वर्णन कर रहे थे लंकेश। हाँ, उनकी तपस्या, सदियों तक वो तपस्या में लीन रहे और एक दिवस अचानक उनकी तपस्या अपने चरम तक पहुंचने लगी, जिसका प्रभाव उनके चारों ओर दिखाई देने लगा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शराय नमः। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शराय नमः। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हारे इस कठोर तप का प्रयोजन सृष्टि में एक स्वतंत्र अस्तित्व को पाना है, उचित है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसकी तुमने कामना कर ये कठोर तप पूर्ण किया है, जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको। तुम्हारे भ्राता यमराज कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को स्वर्ग, नर्क अथवा पुनर्जन्म प्रदान करते हैं। मैं तुम्हें जीवित मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का अधिकारी बनाता हूँ। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद प्रभु। आज की बात तुम्हारी दृष्टि संपूर्ण जगत पर रहेगी, जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको, और वो जीव स्वयं में सुधार लाकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सके, प्रभु के निकट पहुंच सके, और मैं तुम्हें तुम्हारा दायित्व निभाने के लिए तुम्हें सूर्य मंडल के ग्रहों में विस्थान देता हूं। इन ग्रहों में समावेश करने से इनकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मेरे सूर्य मंडल में ये नवीन ग्रह कौन है? मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता शनि चंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वर। तुम्हारे जन्म के साथ साथ ही काग तुम्हारे सहायक रहे हैं, इसलिए आज से तुम्हारा वाहन भी काग ही होंगे। तुम्हारे अस्त्र होंगे गदा, धनुष एवं बाण। ओम
और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा, और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा, और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद महादेव। मैंने जो कहा था वो पूर्ण किया सूर्यदेव। अब मेरा भी स्वतंत्र अस्तित्व है। आ रहा हूं मैं आपके सूर्यमंडल सभा में अपना पद ग्रहण करने, अपना अधिकार स्थापित करने। अर्थात महादेव की कृपा से शनि जी को शनि देव की उपाधि प्राप्त हुई। हाँ शिवनंदन, अन्य ग्रहों के अधिपतियों के समान शनि ग्रह के साथ अब वो भी सूर्य मंडल के अभिन्न भाग बनने जा रहे थे। किंतु सूर्य मंडल के अन्य ग्रहों के स्वामी सूर्य मंडल सभा में एकमत होकर यही चाहते थे कि शनि देव का उस सभा में प्रवेश वर्जित किया जाए। शीघ्र वहां पहुंचकर सूर्य मंडल सभा में अपना स्थान ग्रहण करूंगा मैं। काक का कर्कश्वर अर्थात शनिदेव हमारे सूर्यमंडल द्वार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। बुध सर्वथा उचित कह रहे हैं, क्योंकि यहां पहुंचने पर भूल से भी उनकी दृष्टि हम में से किसी पर भी पड़ी तो सर्वनाश हो जाएगा। मात्र उनकी दृष्टि ही नहीं मंगल जी, उनका प्रचंड क्रोध भी अनिष्टकारी है, जिसके प्रकोप से स्वयं सूर्यदेव भी संकट में आ गए थे, तो हम अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? चंद्रदेव, मेरा निर्णय है कि शनि को इस सभा में प्रवेश करने से रोकना ही उचित होगा। सूर्यदेव आपके सम्मुख पहुंच आपसे भेंट करने के लिए अति उत्सुक हूं मैं। रुक जाइए शनिदेव, ये सभी अन्य ग्रहों के अधिपति मुझसे छिप क्यों रहे हैं और मुझे सूर्य मंडल सभा में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मेरा ये मानना उचित है कि आप सभी सूर्य मंडल सभा में मेरे स्वागत हेतु यहां उपस्थित हैं? हे प्रतापी शनिदेव, हमें क्षमा करें, इस सौर्य मंडल सभा में आपको स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सूर्यदेव अर्थात मेरे तथा कथित पिता ईर्ष्या करते हैं मुझसे, और वो ये कदापि नहीं चाहते कि मैं उनके सूर्य मंडल में अपना स्थान ग्रहण करूं, उनकी सभा का एक हिस्सा बने। नहीं नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है शनिदेव। चंद्रदेव, यदि यह सत्य नहीं है तो सूर्य मंडल सभा में मेरे प्रवेश को वर्जित करने का क्या कारण है? ईर्ष्यालु ही नहीं
भीरू भी हैं सूर्य देव। तभी उन्होंने स्वयं यहाँ आने के स्थान पर आप सभी को भेजा है मेरा मार्ग रोकने के लिए। उसका कारण तो आप दोनों के मध्य का बैर भाव है। और वो हमारे व्यक्तिगत बैर को सृष्टि के कार्यों में बाधा बना रहे हैं। सूर्य मंडल के अधिष्ठाता हैं वो, उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हमारे दायित्व किसी भी व्यक्तिगत शत्रुता अथवा वैर भाव से परे हैं। किंतु आप उनके इस भीरु स्वभाव और उनके इस भूल के कारण आप सभी दंडित होंगे। सूर्यदेव के आदेश पर आप सबने यहाँ आकर मेरा मार्ग रोकने का जो कार्य किया है उसका दंड आपको अवश्य मिले। शनिदेव की दृष्टि तो विकृत होने लगी है सूर्यदेव, अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, रोकना होगा उन्हें। हाँ सूर्यदेव, अन्यथा स्थिति विकट हो गई तो संपूर्ण सूर्य मंडल में संकट छा जाएगा। कदाचित असुर गुरु शुक्राचार्य एवं देवगुरु बृहस्पति उचित कह रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। बुलाओ सूर्यदेव को मेरे समक्ष, उन्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहे, जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहे। तो क्या उनमें से कोई भी शनि जी का क्रोध शांत करने में समर्थ नहीं हुए? नहीं। इससे तो यही सीख प्राप्त होती है कि क्रोध और एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण जो परस्पर द्वेष की ज्वाला उत्पन्न होती है उसे समय रहते ना बुझाया जाए तो वो धधकती अग्नि का रूप धारण कर लेती है, जिससे ना स्थिति में कोई सुधार होता है और ना ही आपसी संबंध में। प्रतीत होता है मेरी इन कथाओं का श्रवण करते हुए आप और भी अधिक बुद्धिमान और विचारशील होते जा रहे हैं शिव नंदन। अवश्य लंकेश, किंतु उसके उपरांत क्या हुआ? फिर जब शनि देव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया तो अंततः सूर्य देव उनके समक्ष जाने पर विवश हो ही गए, किंतु उसका भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अपने क्रोध का परिचय दिए बिना क्या कभी भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं तुम शनि? शनि नहीं सूर्यदेव, शनि नहीं शनिदेव। शनिदेव कहके पुकारिए सूर्यदेव। सूर्यदेव, शनिदेव की उपाधि प्राप्त करने पर तुम मेरी बधाई के पात्र हो। तुम्हारी सफलता से मैं अत्यंत प्रसन्न भी हूँ, किंतु प्रसन्नता नहीं ईर्ष्या कहिए, ईर्ष्या, क्योंकि मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया और मेरी ये सफलता आपको तनिक भी भा नहीं रही है। इसीलिए सूर्य मंडल सभा में मेरा प्रवेश वर्जित करना चाहते हैं आप। स्मरण कीजिए सूर्य देव, क्या कहकर आपने मुझे उलाहना दी थी। बताओ मुझे अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा, देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त। किंतु आप अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ उपस्थित हूँ आपके समक्ष, और ये पद, ये उपाधि, ये अस्तित्व स्वयं महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है मुझे। इसीलिए ये कहने पर विवश हैं आप कि आपको
मुझसे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु सत्य तो यही है सूर्यदेव कि भीतर तक व्यथित हो गए हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पद, मेरी उपाधि, मेरे अस्तित्व और मेरे स्थान के समक्ष आपको स्वयं का स्थान अत्यंत हीन प्रतीत हो रहा है? मुझे लेकर तुम्हारे मन में सदैव एक भ्रम रहा है जो आज भी है। कोई भ्रम नहीं है मुझे, जो सत्य है वो मेरे समक्ष है और उसे भली भांति समझ रहा हूं मैं। आप मुझे सूर्य मंडल में स्थान नहीं देना चाहते क्योंकि मेरे पद के समक्ष आपको स्वयं अपने पद की हीनता का भय है। हे शिव भक्त शनि देव, सूर्य देव को आपसे भय अवश्य है, किंतु ये भय आपके वर्चस्व या आपके बढ़ते प्रभाव का नहीं, अपितु आपकी दृष्टि का है। अपने सूर्य मंडल के ग्रहों की सुरक्षा के अतिरिक्त उन्हें आपको लेकर और कोई चिंता अथवा शंका नहीं है। बिना सोच विचार किए, बिना बात की संपूर्णता को समझे तो हमारे शिष्य असुरों की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, किंतु आपको ये शोभा नहीं देता शनिदेव। आपको लेके हमारी शंका है कि हम में से यदि कोई एक भूल से आपकी दृष्टि में आ गया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, और इसी भय से आतंकित होकर सूर्यमंडल के सभी ग्रह अपने दायित्व को निर्वाह करने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारे आशय का अनुचित अर्थ मत निकालिए। स्वयं महादेव ने आपको ये उपाधि प्रदान की है तो हम उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? किंतु उसके पूर्व हमें आपसे सिर्फ इतना आश्वासन चाहिए कि आपकी दृष्टि से किसी को कोई हानि नहीं होगी। बस इतना ही चाहिए हमें। कदाचित इस बार मैंने सूर्य देव को समझने में भूल कर दी। मात्र एक आश्वासन, फिर सूर्य मंडल में आपका स्वागत है। उचित है, मैं आप सबको वचन देता हूं कि आप सब पर मेरी दृष्टि का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपके कर्म मुझे ऐसा करने पर विवश न कर दे। आपका सूर्य मंडल में स्वागत है शनिदेव। सदैव क्रोधित रहने के लिए मैं उचित सीख दूंगा तुम्हें शनि। बहुत रुचि है ना तुम्हें सूर्य मंडल में यह स्थान प्राप्त करने की, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान से परिचित कराऊंगा। रजत सिंहासन चंद्रदेव का है। ताली जग 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 ताली
सिंहासन मंगल देव का है। यहाँ बुद्ध विराजमान होते हैं। स्वर्णिम पीले रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन एकमात्र देवगुरु बृहस्पति जी का है। तो फिर ये तीनों सिंहासन दैत्य गुरु शुक्राचार्य राहु और केतु के होंगे। उचित कहा तुम। तो मेरे लिए केवल लौह सिंहासन ही शेष रह गया है। आपकी सभा के सभी दिव्य प्रकाश से सुशोभित सिंहासनों के मध्य सर्वदा शोभाहीन सिंहासन तुम अन्यथा कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए आपसे सूर्यदेव। मैं तो स्वयं इस ग्लानी में डूब गया था कि मैंने आपको समझने में त्रुटि कर दी, किंतु नहीं, मैंने आपको सही समझा था। आप ना हमारे लिए कभी कुछ उत्तम सोच सकते हैं और ना उत्तम कर सकते हैं, इसलिए आपके और हमारे मध्य सौहार्द कभी स्थापित नहीं हो सकता। उचित कहा तुम। जिस प्रकार तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी सम्मान उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं भी कभी तुम्हें वो स्नेह नहीं दे पाऊं। इस प्रकार तो सूर्यदेव और शनिदेव में किसी भी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता। लंकेश, आपने उचित कहा। उन दोनों में कोई समझौता नहीं हुआ। आज भी उन दोनों के मध्य वैसा ही बैर भाव है, इसलिए किसी की कुंडली में ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख हो तो उसका प्रभाव अत्यंत कष्टकारी होता है। ये लीजिए लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। क्या शनिदेव ने उस लौह सिंहासन के साथ उस सूर्यमंडल ग्रह सभा में अपना स्थान स्वीकार कर लिया लंकेश? हाँ, देव गुरु बृहस्पति के समझाने पर उन्होंने सिंहासन पर आसीन होना स्वीकार किया। अब यदि लौह ही एकमात्र धातु शेष है मेरे लिए, तो मैं इस लौह को भी इस सभा में प्रकाशित सभी दिव्य धातुओं से अधिक महत्वपूर्ण बना लूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शंकरशूलपाणिश्च खड्गांगी विष्णुवल्लभः
शिपिविष्टो अम्बिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सल। और इस प्रकार कर्म फलदाता के रूप में शनि देव ने अपना दायित्व संभाल लिया। प्रभु शिव शंकर शंभू से शनि देव को प्राप्त इस उपाधि, इस वरदान ने ही प्रभु पिपलाद के अवतार के लिए अभिशाप का रूप धारण कर लिया। किंतु क्यों, ऐसा क्या हुआ था शनि देव और प्रभु महादेव के पिपलाद अवतार के मध्य? कर्म से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, किंतु भाग्य पर अहंकार ना करें, क्योंकि भाग्य कभी भी दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है।